नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आपका जो सवाल था कि 15 तारीख को ऐतिहासिक जीडीएस ने धरना दिया था, एआई जीडीएसयू की तरफ से जो भी प्रदर्शन रखा गया था उसमें 7000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। दोस्तों, सभी ने यहाँ पे अपना अपना विरोध जताया था। तो 7000 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष से गए थे लोग। तो यहाँ पे क्या असर हुआ था, ये सवाल था कि क्या असर हुआ है। तो इसका असर का अभी दोस्तों यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा जवाब दिया गया है, यहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा था दोस्तों मार्च के आखिर तक यहाँ पे जांच शुरू हो जाएगी, तो जांच को शुरू कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप हर रोज़ देख पाएंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देख सकते हैं कंप्लेनेंट का नाम क्या है, एम राजंगम एंड अदर्स, ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ रिसीप्ट 15 मार्च को दोस्तों ये जांच शुरू हो गई थी। और आप हर रोज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना आगे बढ़ा है ये प्रोसेस। तो दोस्तों रिसीव बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दोस्तों इसको कहाँ दे दिया है, जीडीएस सेक्शन डाक भवन में भेज दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया शुरुआत हो गई है और अब चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल भी दिया गया है। और अभी करेंट स्टेटस जो येलो रंग कलर में आप देख रहे हैं, अंडर प्रोसेस। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो स्टेप हुआ है 15 तारीख के बाद, इसको अभी भेज दिया गया है जीडीएस सेक्शन डाक भवन में, आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 मार्च को यह भेज दिया गया था डाक भवन में। अब डाक भवन क्या प्रोग्रेस करता है इस पर यहाँ पे जांच नीचे करेंट स्टेटस में लिख के आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 15 तारीख को जो बड़ा एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था उसका कोई बेकार नहीं गया है, उसका कोई ना कोई काम आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डाक भवन अब काम करने वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, क्योंकि प्रेशर आया है तो वो जल्द से जल्द काम करेगा। तो दोस्तों आप इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आगे अपडेट देंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है इस फिलहाल इस चीज़ पर, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।